rolling camera action. Rolling camera action. मैंने हमेशा से यही बोला है कि मैं हमेशा हॉट दिखती हूँ तबाही तबाही थैंक यू सो मच और आज थोड़ा सा नींद में थी इसलिए अच्छे से आप लोगों से बात गुफ्तगू नहीं कर पा रही बिकॉज 10 दिन से लगातार ट्रैवलिंग हो रहा है तो आई एम सो हैप्पी और मज़ा आने वाला है विश यू अ वेरी मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस मैं कभी भी न्यू ईयर के लिए कभी प्लान नहीं करती हूँ जो होता है वो होता जाता है मेरी लाइफ के अंदर और मैं उसको एक्सेप्ट करती रहती हूँ अरे मैंने नहीं बताना था वो सरप्राइज था मेरा बर्थडे 29 नवंबर था तब से हर सिटी के अंदर जहाँ मैं इवेंट कर रही हूँ वहाँ पर मेरा बर्थडे की केक कट हो रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी कि आफ्टर बिग बॉस कम से कम मेरे 50 केक तो कट रहे हैं और आज भी मैं सरप्राइज देने वाला था आपने क्यों बता दिया ये जी एक्चुअली मैं हमेशा से अच्छा करना चाहती हूँ बिकॉज इंडस्ट्री उसी चीज़ की है और अगर आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो शायद आप कब आएंगे कब जाएंगे और लोग आपको याद भी नहीं कर पाएंगे इसलिए हमेशा नई नई चीज़ें करना पड़ती हैं आपके फैंस के लिए आपको जो फॉलो करते हैं तो बस वही दिमाग में था यू गाइस वोंट बिलीव हमने जो पहला वीडियो किया था नखरे वो 4 दिन पहले वी प्लान्ड इट और ये 2 दिन पहले भी प्लान्ड इट मुझे इतना स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि अर्शी एकदम बोलती है अभी शूट करते हैं और कहाँ से गाना लाऊं कहाँ से लोकेशन बिकॉज टाइम नहीं रहता और मैं मुंबई में आती हूँ और मैं इसको फ़ोन करती हूँ हेलो चलो शूट कर लेते हैं कुछ ना कुछ शूट कर लेते हैं और एक फोटो शूट के साथ साथ हमारा वीडियो बनना उसकी एडिटिंग अर्शी तो शूट करके चली रही मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है अर्शी बेटा तुम्हें तो प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी पूरी जिंदगी एंड बाय द वे ये हमारा 3रा वीडियो है आधे साल में आवर कोलैबोरेशंस हैव बीन अमेजिंग आवर टीम ऑफ बेस्टीज जो हम पार्टी भी करते हैं काम भी करते हैं बहुत सारी गॉसिप भी करते हैं यस एंड लाइक वी वर्क अमेजिंगली वेल एंड सब लॉन्च भी करते हैं इट्स अमेजिंग एब्सोल्यूटली क्लब पीएचडी का खाना बहुत अच्छा है अमेजिंग फूड है और मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे जो भी हमें सर्व करते हैं वो बड़े मज़ेदार लोग हैं बड़ा मज़ा आता है और हम पीएचडी के लॉन्च पे आए थे हम दोनों ही आए थे और अर्शी ने मुझे जब हम प्लान कर रहे थे कि लॉन्च कहाँ करें तो अर्शी ने बोला पीएचडी में करते हैं यार बहुत अच्छा खाना है कि बिकॉज़ खाना अमेजिंग है ड्रिंक्स आर वेरी नाइस एंड एवरीथिंग इज जस्ट बार एक्सीलेंस कंप्लीटली थैंक यू सो मच क्रिसमस आराम बस मज़े करेंगे पार्टी करेंगे एंजॉय करेंगे क्रिसमस में तुमने सरप्राइज खुद ही ने खोल दिया अभी बर्थडे गिफ्ट का हाँ मेरा बर्थडे 29 नवंबर को रहता है 29 नवंबर से लगातार जितने मेरे इवेंट्स हो रहे हैं हर सिटी में मेरे केक्स कट हो रहे हैं आकाश आया है मेरे तो लगातार आते रहेंगे यार मैं तो अभी स्टार्टिंग है अभी तो बहुत आने बहुत आकाश से मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है आकाश से कोई कंपैरिजन नहीं है मेरा मैं बिग बॉस बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही और बिग बॉस फ्लॉप है तो आई एम सो सॉरी मैं फ्लॉप चीज़ें नहीं देखती मैं कास्ट मैं थी ना श्रीशांत की वजह से ही शो चला है बाकी और लोग ऊपर नीचे थे तो आई डोंट थिंक सो कि कास्टिंग जो थी वो अच्छी थी कास्टिंग बड़ी ख़राब की गई थी इस वजह से शो फ्लॉप हुआ नहीं सलमान साहब तो वीकेंड के वार पे जितना बेचारे को देना है वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे से करते और
उन्होंने अपनी तरफ से 100% दिया, जैसा हमारे साथ बिहेव करते थे वैसे ही उन लोगों के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखता है कि वो थोड़ा सा वीकेंड के बार पे इतने ज़्यादा हैप्पी नहीं दिखते हैं। इंटरटेनमेंट नहीं है, कॉमेडी नहीं है, ह्यूमर नहीं है, लड़ाइयाँ हैं लेकिन उन लड़ाइयों के सोल्यूशन जो हैं वो सही तरीके से नहीं है, स्टैंड कोई लेता नहीं है और युद्ध नहीं होते जो सही होने वाले होने चाहिए वो नहीं होते। टॉप थ्री में आई थिंक अपना श्री सर, दीपिका कक्कर और करण वीर बोहरा और शायद रोमिल। सी आई वॉन्ट कि श्रीशांत जीते लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग दीपिका कक्कड़ को ही जितवाएंगे, मुझे पता है मेकर्स। आप देख लीजिएगा, आप मेरी जुबान देख लीजिएगा, दीपिका कक्कड़ ही विन करेगी। अरे तुम निकालो ये सब, तो तुम जर्नलिस्ट हो, पता करो। नहीं नहीं, फिर भी मैम अगर आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि शायद पहले से डिसाइडेड हो, शिल्पा शिंदे का छोड़ के आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उस शो के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो जीत सकते थे लेकिन शिल्पा शिंदे जीती हैं, क्योंकि उस टाइम उनके लिए बहुत सारे ट्वीट किए गए थे और पब्लिक दिल से चाहती थी कि वो जीते। मैं नो नो नो, शी इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, आई एम सो सॉरी, शी इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। और अरे इवेंट पे कोई आएगा हाय हेलो का, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मेरा रिश्तेदार है। वो बनी ट्रोल होने के लिए। थैंक यू, विश यू वेरी मेरी क्रिसमस एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अब आप मुझे ऐसे ही प्यार करती रहो और मैं तुम्हें ऐसे ही जलवे दिखाती रहूँगी। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं।